बच्चे, इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने वाले हैं। ये पॉइंट्स बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए, किसी टॉपिक की डीप नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द ओरिजिन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एन एक्सिस आर अ मैटर ऑफ चॉइस। बच्चों, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन, लोकेशन या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ये डिफाइन करने के लिए हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, एक ओरिजिन मानते हैं। तो ओरिजिन और कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है, कौन सी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये एक मैटर ऑफ चॉइस है। आप अपने अकॉर्डिंग ओरिजिन और पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। यू शुड फर्स्ट स्पेसिफाई दिस चॉइस बिफोर यू असाइन साइन टू क्वांटिटीज लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो जब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब फाइंड करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, तो पहले ही ये डिसाइड कर लेंगे कि हमने ओरिजिन कहाँ माना है या कौन सी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं। उसी के ही अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन या फिर इनके वैल्यूज आएंगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि दो पॉइंट हैं, ए और बी, एक दूसरे से 10 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। अब हमने मान लिया कि कोई एक पार्टिकल इनकी ज्वाइनिंग लाइन पर, ऐसे पी पॉइंट पर है। अब पी पॉइंट की हमको ए से पी तक का अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि ए से पी तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो जब हम ए को ओरिजिन मानेंगे तो ए से पी की तरफ बढ़ेंगे। अब मान लेते हैं कि हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, ठीक है। तो ए से पी तक अगर ये 4 मीटर हमको गिवन है, तो इस 4 मीटर का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, ठीक है। ए टू पी डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव। तो ए टू पी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 मीटर आ जाएगा। अब ए को ओरिजिन ना मानकर अगर हम बी को ओरिजिन मान ले इसी के ही लिए, तो अब बी से पी की तरफ चलेंगे। तो अब बी से जब हम पी की तरफ चलेंगे तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा -6 मीटर। बी से पी के लिए ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो फिर आपने देखा ना कि ओरिजिन चेंज कर दें अगर हम, तो वैल्यूज चेंज हो जाती हैं या उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही अगर इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना तो ये वैल्यूज हैं, अगर हम इसे पॉजिटिव मान लेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, तो भी इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपको फर्स्ट पॉइंट आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। इफ अ पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी। दिस स्टेटमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द ओरिजिन एंड द एक्सिस। बच्चों, फर्स्ट पॉइंट में हमने बोला कि जब भी ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनसे डील करना है, इन्हें फाइंड करना है, तो हम पहले ही ओरिजिन और डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। उसी से ही रिलेटेड है ये सेकेंड पॉइंट भी, कि अगर कोई पार्टिकल स्पीड बढ़ा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, मतलब जो डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी की है। सपोज कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में स्पीड अप हो रहा है, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो अगर इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है ना। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है कि इधर जाते जाते, सपोज जैसे किसी गाड़ी में ब्रेक अप्लाई कर दिए जाएं, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है उस डायरेक्शन में। तो अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाने पर डिक्रीज हो रही है, तो अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट हो जाएगी। इसको और आसानी से हम फोर्स को इंक्लूड करके समझ सकते हैं। आपने वैसे फोर्स अभी तक इस चैप्टर तक पढ़ा नहीं होता, पर 9th में तो पढ़ा है ना, तो उसी के बेसिस पर ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है। एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़ा है ना आपने, तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स अप्लाई हो रही होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। नेट फोर्स और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में। तो अब जैसे ये केस है, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब फोर्स भी इधर ही लग रही है ना, और अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे हमने ब्रेक लगाने का एग्जाम्पल लिया या फ्रिक्शन का एग्जाम्पल लें, तो
तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है। अब यहाँ पर ये बोला है कि दिस स्टेटमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द ओरिजिन एंड द एक्सिस। अब यहाँ हमने कोई साइन लिया, किसी को ओरिजिन माना, क्या नहीं माना ना, कोई भी डायरेक्शन हमने ऐसे नहीं बोला कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। जस्ट यहाँ पर क्या हमने देखा है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। मींस एक्सेलरेशन के साइन का उसके डायरेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे जनरली हम यही सोचते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो मींस वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी डिक्रीज ही हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट में ये क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द साइन ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट टेल अस वेदर द पार्टिकल स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बच्चों एक जनरल हमारे माइंड में ही रहता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर इसी पॉइंट को ही एक्सप्लेन किया गया है कि द साइन ऑफ एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। जो एक्सेलरेशन का साइन है वो इस वजह से आता है कि आपने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हमेशा वेलोसिटी डिक्रीज ही हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन इज चोजन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव। इफ अ पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, दिस एक्सेलरेशन दो नेगेटिव रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन स्पीड। अभी इसको समझेंगे। फॉर अ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड, द सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी रिजल्ट इन डिक्रीज इन स्पीड। इस एग्जाम्पल में बताया है कि दोनों ही केसेस में जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो सकता है। कैसे इसको देखते हैं, ये मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में, बाद यहाँ पर एक मोमेंट के लिए वो रुकेगा ना, उसके बाद फिर वो ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो इसकी वर्टिकली अपवर्ड मोशन हो गई और एक डाउनवर्ड। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते चले जाएगी ना, और एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है इसकी। उसके बाद फिर वो नीचे गिरना शुरू करता है, और जब नीचे गिरता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, और ये सब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है, और इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन ही होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमेशा। तो अब यहाँ एग्जाम्पल में ये बोला गया है कि अगर हमने वर्टिकल डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, कि ये डायरेक्शन हमने ऐसी चूज की है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इफ द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इज चोजन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है तो दोनों ही केसेस में जी नेगेटिव आएगा। कैसे, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो इधर है ना, पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी हो गई, नेगेटिव। तो इसके लिए भी जी नेगेटिव हो गया, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इस पहले केस में जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। अब देखते हैं जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अब ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो इसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती है ना, तो अब स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन जी अब भी नेगेटिव होगा, क्योंकि जी की डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हुई, ये तो वही डाउनवर्ड ही रहता है, और हमने माना है पॉजिटिव ऊपर की तरफ, तो जी नेगेटिव की तरफ है, तो इसलिए ये भी नेगेटिव होगा। तो दूसरे केस में भी जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो दोनों केसेस में जी नेगेटिव आ गए, जबकि एक में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और दूसरे में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मानी है अपवर्ड, और दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही रहेगी, तो इसलिए नेगेटिव आ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल इसमें पॉइंट थ्री में एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द जीरो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई जीरो एक्सेलरेशन एट दैट टाइम। बच्चों अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जीरो है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उस इंस्टेंट पर उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो। एक्सेलरेशन नॉन जीरो भी हो सकता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो।
अ पार्टिकल मे बी मोमेंटरीली एट रेस्ट एंड येट हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो हो सकता है किसी एक मोमेंट में पार्टिकल रेस्ट में हो लेकिन उसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो, वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 1 मार्क में कभी भी पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ पार्टिकल थ्रोन अप हैज जीरो वेलोसिटी एट इट्स अपर मोस्ट पॉइंट बट द एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट कंटिन्यूज टू बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका एग्जाम्पल क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में भी यही सेम चीज डिस्कस की थी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो किया गया, तो इस पर कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाता है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है और एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो एक मोमेंट के लिए ये रेस्ट में आ जाता है, नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना, इस बीच में एक मोमेंट के लिए इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो वेलोसिटी जीरो हो गई लेकिन तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर एक्ट करता है। तो यही इसका एग्जाम्पल हो गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाए तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो उस टाइम पर। यहाँ वेलोसिटी जीरो है पर एक्सेलरेशन जी कंटिन्यूसली इस पर एक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये फोर्थ पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। इन द काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन द वेरियस क्वांटिटीज आर एल्जेब्रिक, दैट इज दे मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों जब काइनेमेटिक में हम वन डायमेंशनल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, ये वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये 3 इक्वेशंस पढ़ते हैं ना हम काइनेमेटिक्स की। तो जब हम इन्हें वन डायमेंशनल में पढ़ते हैं तो हम इन पर वेक्टर अप्लाई नहीं करते हैं, हम इनके साइन वन डायमेंशन में सिर्फ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं कि अगर हमने इसको ओरिजिन माना है और ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन क्वांटिटीज के साइन असाइन कर सकते हैं। तो मीन्स ये क्वांटिटीज एल्जेब्रिक हैं, ये पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, द इक्वेशन आर एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन फॉर वन डायमेंशनल मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। इन इक्वेशंस में बच्चों एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होता है। जब हम ये वन डायमेंशनल मोशन में इक्वेशंस पढ़ते हैं ना तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन लेकर चलते हैं हम। द इक्वेशन आर एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशंस प्रोवाइडेड द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज आर सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन विद प्रॉपर साइन। अब ये इक्वेशन वन डायमेंशनल मोशन की सभी सिचुएशन में एप्लीकेबल है, बस हमें क्या ध्यान रखना है कि इनको जो भी क्वांटिटीज यहाँ पर हैं वी यू ए, इनको विद प्रॉपर साइन हमें यहाँ पर रखना है कि ये नेगेटिव हो सकती हैं या पॉजिटिव हो सकती हैं, तो विद साइन यहाँ पर यूज करना है। वेक्टर फॉर्म लेने की वन डायमेंशन में जरूरत नहीं होती, जस्ट हमें ये देखना है कि ओरिजिन से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग ही इनके साइन रख देते हैं। तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखते हैं हम लास्ट पॉइंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इक्वेशन 2.1 एंड 2.3 आर एग्जैक्ट एंड आर ऑलवेज करेक्ट वाइल द काइनेमेटिक इक्वेशंस 2.9 आर ट्रू ओनली फॉर मोशन इन विच द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। बच्चों जो भी इसमें ये मेंशन किया ना इक्वेशन 2.1 2.3 जैसे ये यहाँ पर मेंशन किया है, तो ये हमें चैप्टर में इक्वेशंस दी हुई हैं उनके लिए मेंशन किया हुआ है, तो हम उन इक्वेशन को चैप्टर के बीच में देख सकते हैं। जैसे डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होते हैं, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जहां पर हम डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो ले लेते हैं, उस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होते हैं उनको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा x बाय डेल्टा t, और इसको ही हम लिख देते हैं dx बाय dt, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम इसी तरीके से ऐसे लिख देते हैं dv बाय dt। ठीक है, इसमें भी डेल्टा t अप्रोचेस टू
जीरो है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। वी और ए की ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं ये एग्जैक्ट हैं और हमेशा करेक्ट हैं, जबकि जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं जो हमने अभी ऊपर देखा वो करेक्ट थी बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, है ना। आर ट्रू ओनली फॉर मोशन इन विच मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। तो जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं वो ट्रू हैं फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वो वेरिएबल के लिए भी करेक्ट है। मतलब जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो हम डिफरेंशियल फॉर्म यूज करते हैं। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए जो टाइम के साथ एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी लेंगे, लेकिन अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो काइनामेटिक इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे, फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।